बर्थडे के लिए जो मैंने ड्रेस लिया था। तो गाइज आज है हमारा पूरी में लास्ट डे और ट्रेन में मैं यही पहन के जाने वाली हूँ। दुर्ग पहुँच गए। तो गाइज फाइनली हम आ चुके हैं मंदिर से, फिर अगर गए थे हम होटल और वहाँ से किया हमने ड्रेस चेंज। तो एनिवर्सरी के लिए जो मैंने ड्रेस लिया था, जो मैं पूरी में पहनने वाली थी, वो फाइनली मुझे पहनने का मौका मिला। हमने बहुत सारी फोटो भी खिंचाई है, ये आगे के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लास्ट डे और बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको दिखाऊंगी कितनी ज़्यादा टैनिंग हो गई है मेरे आधे हाथ पे और फेस पे, तो बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग से इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत तेज़ धूप आ गई है और जगन्नाथ पुरी का यही है स्पेशली धूप वाला मौसम। पता नहीं बारिश कैसे हो गई इतनी। हम गए हुए थे समुद्र में नहाने के लिए और लगभग 2 से 3 घंटे हम समुद्र में नहाए, तब तो बारिश हो रही थी क्योंकि हमारा आज लास्ट डे है तो फिर नहाने का मौका वापस से नहीं मिलता। तो हमने डिसाइड किया कि बारिश हो रही है होने दो, बट नहाने चले जाते हैं। तो जैसे ही 1.5-2 घंटे हो चुके थे हमें नहाते हुए, उसके बाद बहुत तेज़ धूप आई, फिर धूप में भी हम लगभग 1.5-1 घंटे तो हम नहाए। बहुत मज़ा आई, बहुत ज़्यादा मज़ा आई, बट बारिश के कारण हम कहीं बाहर नहीं जा पाए। चिल्का झील जाने वाले थे या फिर चिल्का झील नहीं जाते तो हम वो नंदन काना में जू है ना, वहाँ जाने वाले थे। तो दोनों में से एक जगह हम डिसाइड किए थे कि हम कल जाएंगे, बट बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, फिर ट्रैवलिंग का भी टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता क्योंकि बहुत दूर दूर में है, भुवनेश्वर जाना पड़ता, तो इसीलिए हमने सारा चीज़ कैंसिल कर दिया क्योंकि इतने बारिश में जाने का कोई मतलब बनता नहीं। बट जब हम बीच से आए तो बहुत ज़्यादा धूप हो गई और 11:30 बज गई थी, फिर 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है, तो इसलिए हम मंदिर भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि 12 से 4 बजे तक के मंदिर बंद होता है शायद, और हमारी ट्रेन है शाम की, तो मंदिर जाएंगे तो 1-1.5 घंटे वहाँ लग जाते हैं, इसलिए हम मंदिर अभी नहीं जा पाएंगे। तो गाइज हम खाना खा के आ चुके हैं, अब करें हमें फाइनल पैकिंग। इससे भी एक बार घूम के आ चुके हैं और मैंने पहनी अपना टी शर्ट और लोअर, ट्रेन में मैं यही पहन के जाने वाली हूँ। आप देख सकते हो कि हमारे रूम से कितना प्यारा व्यू दिखता था, जो विंडो थी वहाँ से पूरा बीच नज़र आता था और सी भी आप देख ही सकते हो। और अब टाइम हो गया है हमें जगन्नाथ पुरी को बाय बाय करने का, क्योंकि टाइम हो चुका है रूम खाली करने का और हमने सारा सामान अपना पैक कर लिया है। अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन के लिए और मैं सच बोलूँ ना तो मुझे जगन्नाथ पुरी से वापस आने का मन नहीं करता क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, बट घर वापस तो जाना पड़ेगा ही।
फाइनली हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन और हमारी जो ट्रेन है वो आने वाली थी 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे, तो हमारी सीट भी हमको मिल चुकी है और ट्रेन इतना ज़्यादा क्लीन था, पूरी सीट फ्लोर सब बहुत अच्छे से क्लीन था, देखने से ही बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि ट्रेन साफ होता है ना तो फिर रात भर का टाइम बहुत अच्छे से निकल जाता है। हमारा दुर्ग पहुंचने का टाइम ही 11-12 बजे का था इसलिए हम ट्रेन में बहुत ही आराम से सो गए, क्योंकि सुबह का जब टाइम होता है ना ट्रेन का तो हमें जगे रहना पड़ता है कि कहीं मिस ना हो जाए, बट ये ट्रेन दुर्ग तक ही जाने वाली थी तो इसलिए भी हम आराम से सोए और हमारी टाइमिंग भी बहुत अच्छी थी, इसीलिए आप देख सकते हो मेरे हस्बैंड भी कितने आराम से सो रहे हैं। जब हम रायपुर पहुंचने वाले थे तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को उठाया क्योंकि मुझे बहुत भूख लग गई थी, फिर हमने हाथ मुँह धोया और रायपुर से ही खाने का कुछ लिया क्योंकि दुर्ग पहुंचने में अभी भी 1 घंटा बाकी था और टाइम भी हो चुका था, 11 बज चुके थे। तो आप देख सकते हो मेरे हस्बैंड यहाँ पर लेके आए हैं समोसे, पैटीज और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चाय। अब तो वेट ही नहीं हो रहा था कि कब हम दुर्ग पहुँचेंगे, बहुत लंबा टाइम लग रहा था, बट फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने दुर्ग के स्टेशन में। अपने शहर में आके तो बहुत अच्छा फील होता है, बाहर आपको कितना भी अच्छा लगे बट अपने शहर की तो याद आ ही जाती है। और आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को हमारा पूरी व्लॉग कैसा लगा, और सॉरी कि मैं कंटिन्यू व्लॉग्स नहीं डाल पाई। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे डेली व्लॉग्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरे डेली व्लॉग्स मिल सके। प्लीज़ गाइज आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना और बहुत सारा प्यार देना ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकूं। फाइनली दुर्ग पहुंच गए।